जर्मनी ने बौखलाहट में एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया, लेकिन अब जर्मनी पर दोहरी मार पड़ चुकी है। सिर्फ 2 दिन के लिए बची है जर्मनी की ताकत। जानेंगे इन सब के बीच में रूस ने कौन सी शर्त रख दी है। बड़ा बवाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G7 देशों की बास गुहार लगाने के लिए यूक्रेन गया था, ये तो हमने आपको बताया ही था। लेकिन उस वक्त G7 देशों ने कुछ भी नहीं कहा जब इन्होंने एयर शील्ड बनाने की मांग की थी अपने यूक्रेन के ऊपर। लेकिन लगातार मिसाइलों की बारिश हो रही थी और इन मिसाइलों से बचने के लिए हर हाल में मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए था यूक्रेन को। अब यूक्रेन ने आज से नहीं बल्कि काफी पहले से ही, जब ये जंग शुरू हुई थी तब से ही जर्मनी से मांग रहा था कि आप हमें एयर डिफेंस सिस्टम दो। लेकिन जर्मनी एयर डिफेंस सिस्टम देने में देर कर रहा था। जर्मनी रूस के साथ पंगे नहीं लेना चाहता था। पहले तो जर्मनी ने ये कहा था कि वो इकोनॉमिक मदद करेगा लेकिन हथियारों से कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे युद्ध शुरू होने लगा, अमेरिका की दबाव की वजह से हो या फिर किसी और कारण से हो, धीरे धीरे जर्मनी हथियारों का सप्लाई करने लगा। शुरुआती दौर में जर्मनी और फ्रांस ने कोशिश की थी, जिसके लिए इन्होंने पुतिन से मीटिंग भी की थी। हालांकि ये मीटिंग काफी लंबी टेबल पर हुई थी, ऐसा लग रहा था दोनों दो कोने में बैठे हों संसार के, पर फिर भी युद्ध रोक नहीं पाए। पर आखिरकार इस युद्ध में जर्मनी ने हथियारों को भेजना शुरू कर दिया। अब जब G7 देशों से यूक्रेन ने गुहार लगाई तो फिर G7 देशों ने जर्मनी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम क्यों नहीं दे देते हो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब नवंबर में देने वाला था मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसे अक्टूबर महीने में देने की बात होने लगी। अब इसके पास रेडी तो था नहीं। जर्मनी ने इजिप्ट के लिए बनाया था आयरिश TSLM एयर डिफेंस सिस्टम। तब आनन फानन में इजिप्ट से कहा गया कि हमारे पास अभी आपके लिए जो बनाया गया है वो वाला डिफेंस सिस्टम है, क्या इसे हम लोग दे दें। इजिप्ट ने इसमें हामी भर दी और इजिप्ट के हामी भरने के बाद सबसे पहला एयर डिफेंस सिस्टम पहुंचा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये ट्वीट करके जानकारी दी गई कि यूक्रेन को अपना पहला आयरिश टी एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है और ये जर्मनी से मिला है। जर्मनी इस युद्ध में खुद को तबाह भी कर रहा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जर्मनी इस युद्ध से निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकेगा। जिस तरीके से रूस ने 83 मिसाइलों के साथ 2 दिन पहले बारिश की, उसके बाद से लगातार बारिश चालू है, उसे रोकने के लिए जो ये एयर डिफेंस सिस्टम दिया है ये करीब 40 किलोमीटर रेंज वाली है। और कहा जा रहा है कि इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को 3 और दिए जाएंगे जो जर्मनी के तरफ से होगा। पर जर्मनी के लिए सबसे बुरी बात ये है कि जर्मनी ये हथियार तो भेज रहा है पर इसका अपना ही जखीरा खत्म होता जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हथियारों को दे रहा है, हालांकि आयरिश TSLM के बारे में कहा जाता है कि ये भूमि बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो शॉर्ट रेंज का है, खास तौर पर एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलें, जेट आर्टिलरी, ड्रोन्स, एंटी रडार मिसाइल और बम को ये स्ट्राइक कर सकता है। पर इसके अलावे बहुत सारी मदद इन्होंने दी है, पर इनका अपना ही जखीरा धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। अब नाटो का सिद्धांत है कि 30 दिनों के युद्ध के लिए हमेशा से हथियार जमा होने चाहिए और जर्मनी की इकोनॉमी भी इस वक्त डूब रही है। जर्मनी को अगर अभी तुरंत अपने हथियार के भंडार 30 दिन के लिए भरने हैं तो 20 बिलियन यूरो की जरूरत है, यानी करीब $19.8 बिलियन। पश्चिमी देशों ने हथियार देना तो शुरू कर दिया लेकिन अब भुगतान उन्हें करना चाह रहा है। जर्मनी देना नहीं चाहता था लेकिन ये नाटो के दबाव में दिया गया। नाटो के दबाव में ही जर्मनी ने 50 बंकर बस्टर मिसाइलें दे दी, 21.8 मिलियन राउंड के फायर आर्म्स दे दिए, 53,000 राउंड एंटी एयरक्राफ्ट गन दे दिए, बहुत सारी चीजें इन्होंने दी लेकिन कथित तौर पर नाटो के दबाव पर। अगस्त के महीने में जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एनालिना बेवरबॉक ने कहा था कि जर्मनी और ज्यादा हथियारों को नहीं दे सकता है क्योंकि इसका भंडार खत्म हो रहा है।
और ठीक उसी समय यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा ने भी कहा था कि सितंबर महीने में जब इन्होंने जर्मनी से मांगा था लियोपार्ड टैंक, तब इन्होंने मना कर दिया था, पर अब मजबूर होकर जर्मनी को देना तो पड़ रहा है। लेकिन जर्मनी को ये बहुत भारी पड़ गया है सौदा, क्योंकि अभी तक नॉर्थ स्ट्रीम 2 की बात हो रही थी जो डैमेज हुआ है। हमने आपको दिखाया था अचानक से ब्लैक सी के आसपास इस तरीके के बबल्स निकलने शुरू हो गए, तो पता चला कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 और नॉर्थ स्ट्रीम 1 दोनों में ही डैमेज हो गया है और गैस का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से बंद कर दिया गया है नॉर्थ स्ट्रीम 2 को। अब नॉर्थ स्ट्रीम 2 का मामला अभी चल ही रहा है, 3-4 देश मिलकर ढूंढ रहे हैं कि किसने इस पर हमला किया। रूस कह रहा है कि हम इतने बेवकूफ नहीं है कि अपनी गैस पाइपलाइन को डैमेज करेंगे, ये हमला किया है अमेरिका ने। और अमेरिका और यूरोप के देश बोल रहे हैं कि नहीं, ये रूस ने किया है ताकि यूरोप में गैस ना जाए। अब दोनों ही कंडीशन को देखेंगे तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही नजर आ रहे हैं। अमेरिका डैमेज कर सकता है ये सोचकर कि यूरोप को न तो गैस मिलेगा और न यूरोप ब्लैकमेल होगा, वहीं रूस कभी डैमेज नहीं करना चाहेगा कि जब तक इसके हाथ में है कम से कम यूरोप ब्लैकमेल हो, या फिर हो सकता है इधर से अगर डैमेज होता है तो ये कहीं ना कहीं यूरोप को और ज्यादा घुटनों पे लाने के लिए हो रहा हो। अभी ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 और नॉर्थ स्ट्रीम 1 का मामला अब चल ही रहा था कि एक दूसरा बड़ा कांड हो गया है, और ये कांड हो गया है रुजवा पाइपलाइन में। ये रुजवा पाइपलाइन क्या है आप देखेंगे, ये पाइपलाइन रूस से निकलती हुई बेलारूस, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, चेक रिपब्लिक यहाँ तक पहुँचती है। और ये दरअसल पाइपलाइन गैस पाइपलाइन नहीं है, बल्कि ये तेल की पाइपलाइन है, और ये तेल सप्लाई यहाँ हो रहा था। रुजवा पाइपलाइन से बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, इन सबों को तो ठीक से तेल मिल रहा है, लेकिन देखा गया कि पोलैंड के पास एक बड़ा रिसाव है, यहाँ से तेल निकल रहे हैं और यहाँ एक बड़ा डैमेज हो गया है। और इस डैमेज की वजह से सबसे बड़ी मार किस पर पड़ रही है, जर्मनी पर पड़ रही है। दो रूट है जर्मनी के पास जिसमें रुजवा पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है, एक डैमेज हो चुका है, एक ठीक है, और अब और भी ज्यादा एनर्जी की सप्लाई कम हो रही है जर्मनी की। जैसे जैसे एनर्जी सप्लाई कम होगी वैसे वैसे बौखलाहट बढ़ेगी। हालांकि इन सब के बीच में रूस ने एक शर्त रख दी है। रूस ने ये कहा है कि ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 और 1 डैमेज हुआ है इसे हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अब ये रिपेयर यूरोप करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता है ये यूरोप के हाथ में है, ये डायरेक्ट पुतिन ने कहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यूरोप अगर ये सारी चीजें ठीक करवाना चाहता है तो प्रतिबंधों में ढील दे और इस युद्ध से थोड़ा दूरी बनाए रखे, इस तरह की कोई शर्त हो सकती है आगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं।